भारत में दुर्गों की सर्वाधिक संख्या राजस्थान और महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, फिर भी महाराष्ट्र की अपेक्षा राजस्थान में दुर्गों की संख्या ज्यादा है। वैसे राजस्थान का प्राचीन नाम रायथान, रजवाड़ा या राजपुताना हुआ करता था। राजस्थान के शासकों द्वारा दुर्ग बनाने का जो उद्देश्य रहा, वो एक तो अपने राज्य का विस्तार करना और दूसरा आक्रमण की स्थिति में अपने प्रजाजन की रक्षा करना। इसके अतिरिक्त जब राजा दूसरे राज्यों में जाया करते थे और उन्हें जीत लिया करते थे तो वहां की संपत्ति को भी अपने दुर्ग में रखा करते थे, और इसके अलावा युद्ध के दौरान काफी लंबे समय तक उनको अन्न और जल की आवश्यकता होती थी तो उसका भी एक भंडार अपने दुर्ग में रखा करते थे। राजस्थान में जो दुर्गों के निर्माण किए गए वो पर्वत पर भी किए गए, जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला पर भी किए गए, इसके अलावा मरुस्थल में भी किए गए, समतल मैदान में भी किए गए और जल के चारों ओर भी किए गए। तो किस स्थान पर कौन सा दुर्ग बनाया जाता है, इसके आधार पर उसको अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। वैसे दुर्गों की श्रेणी का सर्वप्रथम जो विभाजन किया वो मनुस्मृति में देखने को मिलता है। शुक्र ने तो दुर्गों के बारे में यहां तक कहा है कि अगर कोई भी राज्य एक शरीर के समान है तो दुर्ग उसके हाथ के समान है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि जिस प्रकार व्यक्ति हाथ के बिना कोई कार्य करने में सफल नहीं हो सकता, इसी प्रकार कोई भी राजा अपने राज्य का विस्तार अगर करना चाहता है तो बिना दुर्ग के यह संभव नहीं हो पाता। तो इस वीडियो में हम दुर्गों के प्रकार एक सरल सी एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। मैं रमन भारद्वाज, भारद्वाज क्लासेस से, और आपके लिए एक बहुत शानदार और बहुत सरल ट्रिक लेकर आया हूं जिसके आधार पर आप दुर्गों के प्रकार को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। राजस्थान की जीके से संबंधित राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान के दुर्ग और दुर्गों के प्रकार की यह सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस सीरीज में, इस पार्ट वन में, मैं सबसे पहले दुर्गों के प्रकार के बारे में चर्चा करूंगा और उसके बाद आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उन वीडियोस के अंतर्गत राजस्थान के लगभग सभी दुर्गों के बारे में काफी डीप से डिस्कशन करूंगा। दुर्ग से रिलेटेड मैं आपकी सारी जानकारी क्लियर करूंगा, सारी जानकारी आपको दूंगा, ताकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चन दुर्गों से रिलेटेड होते हैं, केवल सीधे दुर्ग से रिलेटेड भी नहीं है, तो राजस्थान का ज्यादातर जो इतिहास छिपा हुआ है वो कहीं ना कहीं दुर्गों में ही छिपा हुआ है। और मैं पर्टिकुलर केवल दुर्ग की ही बात नहीं करूंगा, दुर्ग से रिलेटेड जो भी आसपास की बातें होंगी उन सबके बारे में चर्चा करूंगा, ताकि इतिहास का एक काफी बड़ा चैप्टर आपका बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले दुर्गों के इस प्रकार में हम देखते हैं कि शुक्र नीति के अंतर्गत दुर्ग बताए गए हैं, उनको हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक बहुत ही सरल है, आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि शिखर धवन जो है वो डेली सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे, और किसके साथ जाया करते थे, ऐश्वर्या राय के पिताजी के साथ, पापा के साथ जाया करते थे। अब एक दिन जब वो सुबह गए तो ऐश्वर्या राय के पापा वहां थे नहीं, क्यों, क्योंकि वो घूमने के लिए गए हुए थे कहां पर, गिर। देखिए गिर जो है वो नेशनल पार्क है और वो कहां पर है, गुजरात में, जो कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो शिखर धवन को ये जानकारी दी गई, शिखर धवन को बताया गया कि ओ धवन, ऐश के पापा गिर गए हैं। गिरने का मतलब पढ़ना नहीं है, गिरने का मतलब है गुजरात के गिर नेशनल पार्क में घूमने के लिए गए हुए हैं। आप देखिए इस लाइन का मतलब है क्या, ओ का मतलब है औदक दुर्ग। देखिए औदक दुर्ग को जल दुर्ग भी बोला जाता है, इसका मतलब यह है ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी मात्रा में जल राशि हो, यानी पानी ही पानी हो, ऐसे दुर्ग को हम औदक दुर्ग या जल दुर्ग बोलते हैं। जैसे राजस्थान के झालावाड़ जिले का एक दुर्ग है गागरोन दुर्ग, जो कि आहू और कालीसिंध नदियों के किनारे बना हुआ है, यहां पर इसके चारों ओर बड़ी मात्रा में जल राशि है। वैसे गागरोन दुर्ग के बारे में मैं जब हम इस वीडियो की आगे अगली सीरीज में जाएंगे तो हर सीरीज में मैं क्या करूंगा, एक दुर्ग को ले लिया करूंगा और दुर्ग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दूंगा। तो इसी सीरीज में आगे हम दुर्ग के, गागरोन दुर्ग के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। धवन, तो धय का मतलब हो गया धानवन दुर्ग। देखो धानवन दुर्ग का मतलब ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर रेत हो, यानी जो मरुस्थल में बना हुआ। अब रेत से तो हमारे दिमाग में बड़ा सिंपल आ जाता है कि जो जैसलमेर का दुर्ग है इसके चारों ओर रेत ही रेत है, तो जैसलमेर का दुर्ग धानवन श्रेणी का होता है, ठीक है। अब धवन के आगे है वन, वन का मतलब हो गया सिंपल वन दुर्ग। वन दुर्ग के तो नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जंगल हो, बड़े बड़े पेड़ हो। तो राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक दुर्ग है और ये दुर्ग है रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग जो है ये वन श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। एश, ए का मतलब हो गया यहां पर एरन दुर्ग। एरन दुर्ग का मतलब ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर का क्षेत्र पथरीला हो और कटीली झाड़ियां भी हो। अब देखो यहां पर रणथंभौर का जो दुर्ग था सवाई माधोपुर में, वो एरन श्रेणी में भी आता है और वन श्रेणी में भी आता है, दोनों का अंतर समझ लेना। केवल वन श्रेणी का मतलब, वन दुर्ग का मतलब हो गया ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर वन हो, यानी घना जंगल हो, और एरन श्रेणी का मतलब, एरन दुर्ग का मतलब हो गया ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर का क्षेत्र जो है वो पथरीला भी हो और कटीली झाड़ियां भी हो। तो रणथंभौर का जो दुर्ग है सवाई माधोपुर में, ये दोनों श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखो शय, तो शय के आपको तीन अर्थ लेने हैं यहां पर, एक तो हो गया सैन्य दुर्ग, एक हो गया स्थल दुर्ग और एक हो गया सहाय दुर्ग। सैन्य दुर्ग का मतलब बड़ा स्पष्ट है, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर सैनिक हो उस दुर्ग की सुरक्षा के लिए, उसको हम सैन्य दुर्ग बोलते हैं। अच्छा स्थल दुर्ग,
स्थल दुर्ग का मतलब ऐसा दुर्ग जो कि समतल पर बना हुआ, उसको स्थल दुर्ग बोलते हैं। जैसे एक तो बीकानेर का जो किला है वो स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा भरतपुर का जो दुर्ग आता है वो भी स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब है सहाय दुर्ग, तो सहाय दुर्ग का मतलब ये हो गया ऐसा दुर्ग जिसमें हमेशा आपके भाई बंधु रहा करते हो, हमेशा आपके अनुकूल लोग जिस दुर्ग में रहते हैं उसको हम सहाय दुर्ग बोलते हैं। अब ध्यान देना इस बात पर, राजस्थान में मैं जितनी भी कैटेगरी के आपको ये दुर्ग बता रहा हूं, इसमें एकमात्र सहाय दुर्ग इस कैटेगरी का राजस्थान में कोई भी दुर्ग नहीं है। इसके अलावा लगभग हर कैटेगरी का दुर्ग राजस्थान में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पापा, पा का मतलब हो गया पारित और पा का मतलब हो गया पारिक। देखो क्या मतलब है, पारित का मतलब होता है परिधि, परिधि यानी कि दीवार। तो मतलब ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी परिधि हो या बड़ी बड़ी दीवार हो। जैसे राजस्थान का एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसके चारों ओर परिधि है, इसलिए इसको हम पारिध श्रेणी में रख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसको हम पारिध श्रेणी में रख सकते हैं। वैसे भी कुंभलगढ़ की दीवार तो जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। इसकी दीवार की जो टोटल लंबाई है वो 35.8 किलोमीटर, यानी कि लगभग उसको हम 36 किलोमीटर बोल सकते हैं। कुंभलगढ़ की दीवार की चौड़ाई इतनी है कि इस पर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। कुंभलगढ़ की दीवार को हम भारत की महान दीवार भी बोलते हैं। अगले पे आ जाते हैं पारिख। पारिख का मतलब होता है खाई, यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है, एक तो भरतपुर का दुर्ग आप मान सकते हैं, और इसके अलावा भरतपुर जिले में एक तहसील है डीग, तो डीग का दुर्ग भी पारिख श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है गिर। गिर का मतलब हो गया गिरी दुर्ग। अब गिरी दुर्ग के नाम से क्लियर है, गिरी का मतलब होता है पहाड़, यानी ऐसा दुर्ग जो पहाड़ पर बना हुआ हो। जैसे राजस्थान के चित्तौड़ का दुर्ग, ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी आता है क्योंकि पहाड़ पर बना हुआ है। और इसके अलावा राजस्थान का जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये भी गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि पहाड़ पर बना हुआ है। अब ध्यान रखना, हमने अलग अलग श्रेणियों के बारे में यहां पर चर्चा की। राजस्थान का चित्तौड़ दुर्ग ऐसा है जिसको लगभग आप सभी श्रेणियों में रख सकते हो, केवल धानवन श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि धानवन श्रेणी का मतलब होता है ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर रेगिस्तान हो, रेत हो। तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को धानवन श्रेणी के अतिरिक्त सभी श्रेणियों के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, जो हमने समझ ली थी कि राजस्थान में सहाय दुर्ग की कैटेगरी का कोई भी दुर्ग नहीं है। अब देखो, राजस्थान के ये जो दुर्ग हैं, मतलब जो हमने अलग अलग कैटेगरी डिवाइड करी, इन कैटेगरीज के आधार पर हम देखें तो सबसे सुरक्षित दुर्ग किसे माना जाता है, इन सारी श्रेणियों में सबसे ज्यादा सुरक्षित दुर्ग माना जाता है सैन्य दुर्ग को। सैन्य दुर्ग के बाद सुरक्षा की दृष्टि से गिरी दुर्ग को माना जाता है, और गिरी दुर्ग के बाद सुरक्षा की दृष्टि से जल दुर्ग को माना जाता है। इसी तरीके से आगे और दुर्ग ले लिए जाते हैं। तो ये इस टॉपिक में हमने एक ट्रिक के माध्यम से दुर्गों के प्रकार को समझने की कोशिश की। इसी की आगे की सीरीज में मैं हर एक वीडियो में राजस्थान का एक दुर्ग लेकर आऊंगा और उस दुर्ग के बारे में, सारी बातों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। थैंक यू।